उम्मीदवार हैं जी, आप जनता के बीच में क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, अपना पर्चा देते बताइए आप। मेरा नाम कपिल मोहन चौधरी है और मैं 35 लखनऊ लोकसभा सीट से उम्मीदवार हूँ। जैसा हमारा पार्टी का नाम है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल, मेरा अधिकार का मतलब है लगभग सभी लोगों का, एक तरह से अधिकार की हम बात कर रहे हैं। और जब अधिकार की बात आती है तो ज़्यादातर जो जितने भी सरकारी प्रोग्राम है या जो बात आती ध्यान में वो आती महिलाओं की, लेकिन एक आधी आबादी आदमियों की भी है। कभी इस आधी आदमी के अधिकार की बात किसी पार्टी ने नहीं करी है। हम लोगों ने कई बार कोशिश की लेकिन वो नहीं सुनते हैं। अभी भी जितनी पार्टियों के एजेंडे में आप देखिएगा हमेशा महिला सुरक्षा, महिला बातें सब रहती हैं, लेकिन यह आधी आबादी इसको, इसका कोई मुद्दा नहीं होता उनकी नज़र में। और यहाँ तक कि आधी आबादी को खुश करने के लिए हमारे पर अत्याचार करना भी उनकी एक श्रेणी में आ चुका है। तो महिला सुरक्षा के लिए करें या महिला के सम्मान के लिए करें, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर जब आप आदमियों के साथ अत्याचार करना शुरू करते हैं तो ये इस चीज़ का हम विरोध करेंगे। और आंकड़े भी आप देख चुके हैं, 98% ऑफ केसेस, 99% ऑफ केसेस फेक निकल रहे हैं। लगातार जनसंपर्क आपका जारी है? बिल्कुल जारी है। किन किन क्षेत्रों में आपने जनसंपर्क किया? हमने कल इधर नेहरू बाल वाटिका में किया था एक दो दिन पहले। अच्छा, ये आप हथकड़ी पहने क्यों पहने? हथकड़ी इसीलिए मैं बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हथकड़ी है, इसको यूँ समझिए कि ये मैं इसीलिए पहना हुआ हूँ, मेरे को क्रिमिनल घोषित किया जा रहा है। आज चुनाव आयोग में मुझे निर्देश दिए हैं कि अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है तो आप उसे आपको सार्वजनिक करना होगा। तो मैंने कहा लो मैं सार्वजनिक किए रहता हूँ। अब मेरे ऊपर मुकदमा क्या है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर माँ बाप को नहीं छोड़ा, मेरे ऊपर दहेज का मुकदमा लिखवा दिया गया 1999 में। 20 साल तक सरकार के पास टाइम नहीं है कि क्या कहते हैं उसको, एक टाइमबद्ध तरीके से उसको निस्तारित किया जाए। आज हमको जब फॉर्म भरना पड़ता है तो उसमें अपने आप को क्रिमिनल बताना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। मतलब बीवी का कहना नहीं मानना और वो दहेज का मुकदमा लिखवा रही है। आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए? राजनीतिक क्षेत्र में हमारा आने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन जब कहते हैं कानून कहाँ से बनता है, लोकसभा से या विधानसभा से, हमें अगर अपनी बात उठानी है तो हम लोगों ने नेताओं से मिले, बातचीत करी, लेकिन उन्होंने हमारा मुद्दा उठाने की हिम्मत नहीं है, अपने घोषणा पत्र में लाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो हमारे लिए ये कि अब या तो खुद ही फिर गंगा में गंगा उतारने के लिए भगीरथ बनके खुद उतरना पड़ेगा अभी यहाँ। कोई 5 कारण ऐसे बताइए जिससे क्षेत्रीय जनता आपको वोट करे। हमारा सिर्फ एक कहना, आधी आबादी आदमियों की भी है, और अगर आदमियों को अपना सम्मान बचाना है, अपना परिवार बचाना है, परिवार में ऐसा नहीं खाली पुरुष होते हैं, अगर हमारी अगर बीवी ने FIR लिखाई है तो हमारी माँ हमारी बहनें भी उसमें लपेटी जाती हैं, तब उस समय महिला आयोग उनकी भी बात नहीं सुनता है। तो ये एक तरह से लड़ाई आधी आबादी की भी नहीं बल्कि 75% आबादी की एक तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और पुरुष सम्मान बिल्कुल मुखिया के नाम पर, उसको आज पितृसत्ता को गाली दी जाती है, पितृसत्ता को एक ऐसे बड़े अपमानजनक तरीके से देखा जा रहा है। तो हम लोग पुरुषों के सम्मान के लिए, परिवारों के सम्मान के लिए सड़क पर उतरे हैं। यदि आप इसमें जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए क्या है, जो हमारे जो सार्वजनिक जो एक सांसद होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारियां वो तो हम निभाएंगे, साथ साथ जो हमारे घोषणा पत्र में वादे किए हैं हमने, खासतौर से पुरुषों परिवारों के, हमने कहा था एक डाटा सेंटर की स्थापना करेंगे, उसको हम लेकर के रिसर्च पूरा बिठाएंगे, क्योंकि आदमी भी मर रहा है। आज आदमी शराब में डूबा पड़ा है, कोई सरकार नहीं जानना चाहती कि वो क्यों परेशान है, क्यों नशे के आदि होता जा रहा है। इन सब चीज़ों का जब तक डाटा, क्योंकि जब तक डाटाबेस नहीं है आपके पास है तो आप क्या करोगे? एक सांसद होने के नाते कम से कम इस शुरुआतों को तो कर सकते हैं। तो हम लोग इसी को जाकर के अपना ये आवाज उठाएंगे और उसको मर्द पार्टी करे पुकार, पुरुष परिवार करे पुकार, पति परिवार करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। पुरुषों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान में, पुरुषों के सम्मान में मर्द उतरे मैदान।